अरे तो ऐसे करो, देखो चमक रहे हैं, बना लो इसको, चोटी को लगा दो। हाँ अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, आज मैं अम्मी और आलिया के साथ में मलाड आई हूँ। कुछ मुझे ना ज्वेलरी की शॉपिंग करनी थी और अम्मी को भी कुछ लेना था, तो वही हम आए हुए हैं। और सबसे पहले आलिया को याद आया कि भाभी ने ना निकलने के वक्त में कहा था कि गले का जो पेंडेंट होता है ना मंगलसूत्र का, वो स्मॉल सा अगर मिले तो लेकर आना। तो वही मतलब ना देख रही थी वो, और उसी के साथ में ना उसे झुमके वगैरह चाहिए थे उसे और नौशीन के लिए, लेकिन है ना झुमकों की डिज़ाइन इतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसे कहा कि नहीं कहीं और से हम देख लेंगे। और इसी के साथ में ना फिर उसे कुछ और इयररिंग्स वगैरह भी देखनी थी, तो ये वाली इयररिंग अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा कि नौशीन के लिए ले लो। और इसी के साथ में और भी सारी है ना, वो जो शॉपकीपर थे ना तो हमें दिखा रहे थे वो लेडी कि और कौन से उसमें कलर्स वगैरह है। ये वाली मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी और थोड़ी यूनिक सी लग रही थी, एप्पल जैसे थी डिज़ाइन से इसकी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर सब है ना जैसे मंगलसूत्र टब्स वगैरह इयररिंग्स होती है, जैसे नॉर्मली गोल्ड का नहीं कि पानी चढ़ा होता है गोल्ड प्लेट की, वैसी यहाँ पर रखी हुई थी। और आलिया को और हमें ना ये दो इयररिंग पसंद आई थी, और इसी के साथ में ना वो हमें बता रहे थे कि जैसे लाइट अगर डिम रहे ना तो उसमें और शाइन करेगा, अच्छा लगेगा। तो नौशीन और आलिया के लिए हमने ये दोनों इयररिंग ले ली हैं, और इसी के साथ में भाभी के लिए भी ये ले ली है पेंडेंट। और अभी हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि और क्या लेना है। और यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीडाइज वाले सारे इयररिंग्स वगैरह थे, लेकिन इसके डिज़ाइन से ना इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने मनाई कि आलिया को कि कहीं और से देख लेंगे। और इसी के बाद में हम आ गए थे आगे, हमें ये सब लेना था, हल्दी के लिए ज्वेलरी वगैरह चाहिए थी, तो ये अभी देख रहे थे नौशीन के लिए, आलिया के लिए, और मुझे भी मेरे लिए लेना था। और इसी के साथ में है ना भाभी के लिए भी, और मेरी दी की लड़की है मिनाज उसके लिए। और अभी है ना नेक्स्ट मंथ में शादी के टाइम में मेरी एक और भाभी है, वो भी गांव से आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए भी चाहिए था। तो ये सब हम अभी देख रहे हैं हल्दी के लिए, और हमें है ना दो दिन के लिए चाहिए था, जैसे एक हम अगर जब दूल्हे वाले के यहाँ जाएंगे उस दिन के लिए, और जब दुल्हन का रहेगा प्रोग्राम तो उस दिन हमें चाहिए रहेगा। और अम्मी से ना खड़ने नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर है ना शॉपकीपर से हमने चेयर मांग के अम्मी को बिठा दिए थे। और अभी है ना यहाँ पर पूरा हम सेट में भी देख रहे हैं आलिया और मैं, क्योंकि मैंने सोचा एक दिन के लिए मैंने खाली येलो ले ली हूँ, और उसी के साथ में हमने दो ये सेट में ले लिए थे। और यहाँ पर है ना बहुत ही प्यारे प्यारे बंस वगैरह रहते हैं ना फ्लावर वाले, वो है क्लिप्स है, लेकिन ये क्लिप वाला लो ना तो निकल जाता है। और नौशीन ने कहा था कि उसे ना चोटी वगैरह चाहिए थी, लेकिन ये अम्मी को ये वाली ऐसी नहीं पसंद आई, नौशीन ने बताया था उन्हें नेट से निकाल के। और मुझे ना याद आया कि मेरी मदर इन लॉ ने भी है ना ये मंगाए थे मुझसे बन, तो यहाँ पर है ना दो मैं देख रही थी, तो उसमें से फ्लावर वाला तो नहीं मुझे सही लगा, दूसरा जो स्टोन वाला था वो अच्छा लगा। और यहाँ देखिए बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के भी थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे जैसे, और मुझे ये छोटा सी ना सिंपल सा सोबर सा अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने ले ली हूँ। और इसी के साथ में ना कुछ मुझे फ्लावर वगैरह भी चाहिए थे, आलिया को भी लेने थे, तो यहाँ पर अभी है ना हम बहुत सारे कलर्स के फ्लावर देख रहे हैं, रेड कलर का है, पिंक है, येलो है, तो ये अभी हम सब ले रहे हैं कि कभी कुछ टाइम में हमें यूज़ करने आ जाए। और आलिया को देखिए यहाँ पर है ना स्टोन वाला ये देख रहे थे, टियारा वगैरह, क्योंकि ना हेयर स्टाइल वगैरह कराएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। और यहाँ पर मैं भी देख रही थी हेयर स्टाइल वगैरह के लिए एसेसरीज वगैरह सारी, और यहाँ पर है ना हेयर स्टाइल की सारी एसेसरीज ये रखते हैं, मैं अक्सर करके ना इन्हीं की शॉप पर आती हूँ। यहाँ पर आप एंट्री करोगे ना स्टेशन के एग्जैक्टली अपोजिट में, एंट्री करने के बाद में लास्ट शॉप इनकी रहती है, इसके बाद में राइट साइड में सारी ज्वेलरी की चालू होती है। और ये सारा हमारा सामान हो चुका है, सब हमने ले लिए हैं, और अभी आलिया को ना इयररिंग्स वगैरह देखनी है, तो वही अभी हम आगे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर है ना पूरे सेट में जैसे ना आप बड़ों के हिसाब से एकदम हैवी इयररिंग थी, तो आलिया को नहीं पसंद आई, आलिया ने कहा कि नहीं दी मुझे थोड़ा छोटे में चाहिए, और अगर बड़े में भी रहे तो मतलब थोड़ी अलग चाहिए उसे। और यहाँ पर है ना मुझे बैंगल्स अच्छी लग रही थी, तो यहाँ पर एक मैंने मेरे लिए बैंगल ले ली थी और अम्मी ने भाभी के लिए, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, यहाँ पर डिज़ाइन इसकी ना अच्छी दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि जब कांच की चूड़ियाँ वगैरह पहनेंगे ना तो उसके साथ में अच्छी लगेगी। कांच की चूड़ियाँ भी मुझे चाहिए थी यहाँ पर ग्रीन कलर की ना साथ में लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि डिस्प्ले के लिए सिर्फ लगाए हुए हैं, और बाकी आगे दूसरी शॉप में कांच की चूड़ियाँ थी। और हम वहाँ जाने के लिए बिल्कुल भी जैसे ना अच्छा नहीं लग रहा था, इतनी क्राउड थी, पूरा पसीना पसीना हो रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी ज़्यादा, तो अम्मी ने कहा कि नहीं हमारे यहीं से ही ले लेंगे कांच की चूड़ियाँ।
और यहाँ पर अभी है ना आगे हम जा रहे हैं, ये सब हमने ले लिए हैं। और आलिया को तो सेट वगैरह पसंद नहीं आया यहाँ पर कुछ, क्योंकि उसने कहा कि दीदी बहुत ही ज़्यादा ना हैवी वगैरह है, तो नौशीन को भी नहीं अच्छे लगे, आलिया को भी नहीं। तो अभी हम आगे जा रहे हैं और अम्मी को याद है कि कोम वगैरह चाहिए थी। और ये भी देखिए हम देख रहे थे कितना बड़ा था, ये सब है ना जैसे महाराष्ट्र साइड में साड़ियाँ वगैरह पहनते हैं ना, तो उसके ऊपर लुक इसका अच्छा आता है। और नॉर्मल जैसे हम शलवार कमीज वगैरह पहनेंगे तो उसके ऊपर इसका लुक इतना अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ है ना बाहर सारे फ्रूट्स वाले लगे हुए थे, और यहाँ पर मुझे याद है कि कॉर्न है ना जैन बड़े शौक से खाता है, तो मैंने उसके लिए कॉर्न ले ली। और इसी के साथ में ना अम्मी को भी है ना पसंद है भुट्टा वगैरह, तो अम्मी ने भी ले लिए। तो यहाँ पर मैंने ना पैकेट्स वाले नहीं ली कॉर्न, जो अखे है ना भुट्टे टाइप में रखे हुए थे, तो वो मैंने पूरा ले ली हूँ। और इसी के साथ में हम आगे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड थी, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ अभी दिवाली का सीज़न वगैरह भी है, बच्चों की छुट्टियाँ लगी हुई है और शादियों के भी सीज़न चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्राउड थी। और अभी है ना यहाँ पर हम बैठ गए थे थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पर है ना मैंने पाव भाजी ली थी। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ में हस्बैंड के साथ में जो होटल में आई थी रेस्टोरेंट में आपके साथ में शेयर करी थी, वही रेस्टोरेंट में हम आए हुए हैं। और उसल तो मैंने उस दिन ट्राई करी थी, तो आज मैंने सोचा चलो यहाँ का ना पानी सॉरी पाव भाजी भी टेस्ट कर लेते हैं कैसे रहता है, तो वो हमने ले ली। और उसी के साथ में हमने यहाँ पर लस्सी वगैरह लिए थे, और क्योंकि ना एमएम के यहाँ पर क्राउड ज़्यादा रहेगा और अम्मी से खड़े रहने के लिए होगा नहीं, तो इसके लिए मैंने सोचा चलो यहीं पर ही बैठ के सुकून से ना हम लस्सी पी लेंगे ठंडी ठंडी। और आलिया को याद आ गया था कि उसे बैग लेना है, अभी स्कूल का सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया, फर्स्ट टर्म में तो उसने लिया था बैग, लेकिन है ना वो बैग इतना अच्छा नहीं निकला था। और आजकल तो आपको पता है बुक्सेस इतनी रहती हैं कि बच्चों के बैग बहुत जल्दी फट जाते हैं, और जैन ने ये वाला बैग लाया था ना तो आलिया को अच्छा लगा था, तो ये वाला बैग आलिया ने ले ली है फाइनली। और ये देखिए अभी हम सब आ गए हैं घर पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्राउड थी, अम्मी से भी खड़ने नहीं हो रहा था और शाम का वक्त हो रखा था, मार्केट में बिल्कुल भी एंट्री की जगह नहीं थी, तो हमने ना रिटर्न आ गए। और ये दोनों मैंने आपको सेट बताई थी ना वो हमने ले लिए हैं, और ये सब छोटे छोटे हैं ना सबके अलग अलग है, जैसे मेरा भी है इसमें, आलिया का भी है और भी सबका है भाभी वगैरह का, तो ये हमने ना सभी इकट्ठे साथ में लेकर आ गए थे सबके लिए। और बाद में तो आपी वगैरह जाएंगे बहनें वगैरह, तो वो लोग अपने हिसाब से ले लेंगे, ये हमने सिर्फ है ना हमारे हिसाब से यहाँ पर ले लिए। ये देखिए ये दोनों मैंने और आलिया ने सेम लिए है, और पिन वगैरह भी ले लिए थे, हेयर एसेसरीज भी मैंने लेकर आ गई हूँ, और ये मेरी सास अम्मी के लिए मैंने बन ले ली थी, और क्योंकि ना हेयर एसेसरीज मेरे पास में भी बहुत सारी रखी हुई है। और ये रहा आलिया का, और ये सारे है ना फ्लावर्स मुझे अच्छे लग रहे थे, ऐसे कभी छोटियों के साथ में ना अच्छा लगता है लगाने के लिए, तो इसके लिए मैंने ये भी ले ली थी साथ ही साथ। और आपको हमारी वीडियो कैसे लगी ज़रूर हमें लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए ये रहा आलिया की और नौशीन की ईयरिंग्स, और ये रही मेरी और भाभी की बैंगल्स। तो हमने खैर ज़्यादा तो लेना था लेकिन ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है शॉपिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।